लव स्टोरी मूवी देखना आपको पसंद है या फिर आप एक्शन मूवी से बोर हो रहे हैं, लव स्टोरी मूवी देखना है तो आज मैं विजय देवरकोंडा ऐसे 3 बेस्ट मूवी के बारे में बताऊंगा। एंड हाँ, दिवाली का मौका है, सबको बोनस मिल रहा है तो एक बोनस मूवी मिलेगा आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है गीता गोविंद। ये 2018 में रिलीज हुआ था एंड इसका रन टाइम की बात करें तो ये 2.5 आवर का है लगभग। एंड इसमें आपको रश्मिका मंदाना एंड विजय देवरकोंडा मेन लीड में देखने मिल जाएंगे। इसको IMDb की तरफ से 7.7/10 रेटिंग मिला था। एंड इसकी मूवी की अगर बात करें तो इसमें आपको अच्छा खासा लव स्टोरी, रोमांस एंड बहुत अच्छा कॉमेडी सीन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सो अगर आप ये मूवी नहीं देखें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 2 पे है डियर कॉमरेड। ये 2019 में रिलीज हुआ था एंड इसके IMDb पे बात करें इसको 7.3/10 की रेटिंग मिला है। एंड इसका रन टाइम है लगभग 3 आवर का। एंड इसमें भी आपको विजय देवरकोंडा के साथ रश्मिका मंदाना देखने के लिए मिल जाएगी। मूवी की बात करें तो इसमें आपको अच्छा खासा लव स्टोरी एंड फैमिली ड्रामा एंड इसमें स्पोर्ट्स ही एंगल देने की कोशिश की गई, वो भी अच्छा लगता है देखने में। सो अगर आप ये मूवी नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मूवी है, काफ़ी एंजॉय करेंगे आप। लिस्ट के नंबर 1 पे द फैमिली स्टार। ये मूवी 2024 यानी इसी ईयर में रिलीज हुआ था और इसके रन टाइम की बात करें तो 2 आवर 37 मिनट के ऐसे लगभग है। इसमें आपको विजय देवरकोंडा के साथ मोहनलाल ठाकुर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके स्टोरी की हल्का की बात करें, एक फैमिली मैन कैसे स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ पे, उसका जॉब एंड फैमिली के टेंशन को लेकर, वही सारा इसमें दिखाया गया है। सो काफ़ी मजा आएगा, कॉमेडी सीन्स भी है, अच्छा खासा लव स्टोरी भी है। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखें। प्रॉमिस किया था आपको कि बोनस मूवी मिलने वाला है। तो मूवी का नाम है खुशी, जो 2023 में रिलीज हुआ था। इसका रन टाइम की बात करें तो ये लगभग 3 आवर का है। और इसमें आपको विजय देवरकोंडा के साथ आपको सामंता मेन लीड में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो इस मूवी के हाल का बात करें तो अलग अलग कास्ट की फैमिली के विरुद्ध जाके वो शादी कर लेते हैं और इनका मैरिज लाइफ कैसे स्ट्रगल करते हैं, उससे कैसे ओवरकम कर पाते हैं, वही सब दिखाया गया है। इसमें आपको अच्छा खासा लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा एंड कॉमेडी सीन भी है, देखने के लिए मिल जाएंगे। सो ये पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आप अगर चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए।